शांति। 26 जनवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। क्या सहारा मिला है भाई? समझ आ गया है कि कैसे जाना है। तुम बाप को याद करते हो, करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाओ। बाबा की श्रीमत पर चलते चलते कर्मातीत बनेंगे और कर्म बगैर पावन बनेंगे और घर चले जाए, ये सहारा मिला है। प्रश्न, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाबा पुचकार किन बच्चों को करते हैं? बाप का शो कैसे करेंगे? सबको पुचकार नहीं करते बाबा, किन कर? हाँ जी, लायक बच्चों को करेंगे। पता नहीं, शरीर है नहीं फिर भी पुचकार करता है, किराए पर ले लेता है शरीर पुचकार करने के लिए, और हमारे लिए तो वो भी नहीं है बाबा के पास। क्या हम लायक नहीं करे बन रहे? हमें तो जिन वो भाग्यशाली थे जिनको बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में पुचकार कर लेते थे आकर के, क्योंकि साकार मुरली है। अब हम तो, हमारे लिए तो बाबा अव्यक्त वतन में बैठ गया, अब वो हमें तो पुचकार करता नहीं, फील होता है। कैसे फील होता है सबको बता दिया जाए ताकि वो भी फील करे। ऐसे फील होता है कि कोई भी परिस्थिति आती है, कुछ आता है, जब हम उसको आसानी से पार कर लेते हैं तो दिल से इतना बाबा के लिए वो निकलता है कि बाबा तुमने अपना बनाया, इतना ज्ञान दिया, समझ दी, तो दिल से बाबा के लिए। ये नहीं होता ड्रामा अनुसार हो गया। हाँ नहीं, ड्रामा, हाँ, ड्रामा भी है, कई जगह ड्रामा भी यूज करते हैं, लेकिन ड्रामा का ज्ञान भी तो बाबा ने दिया ना हमको। ड्रामा का ज्ञान भी बाबा ने दिया, क्योंकि ये ज्ञान हमें ना मिलता तो हम उसे फेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ड्रामा अनुसार हमारे पास सामना करने की क्षमता आ गई, जिसके आधार पर हम बाबा का प्यार महसूस करते हैं। सात गुण राज शक्ति, वही आत्मा को चाहिए, और उनको प्राप्त करने के लिए ही बाबा ने विधि सिखाई। जो बच्चे वफादार सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। बाप की पुचकार मिलती है जब तुम बच्चों को आपस में बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे, तब बाप का शो कर सकेंगे। भूल भी नहीं होने चाहिए, किसी को दुख भी नहीं पहुंचे, और बाबा के श्रीमत पर चले। गीत, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है, बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके, आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, सुख धाम में आप पे ही एक शरीर छोड़ते थे दूसरा लेते थे खुशी से, अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि हम आत्मा परम धाम से आई हैं, हम आत्मा यहाँ पार्ट बजाती हैं, पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी हैं। बच्चों को समझाया है सहारा देने वाला एक ही बाप है,
बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है, ये बहुत समझने के लिए बातें हैं। पहले जब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं, बाप तुमको सहारा देते हैं, बच्चे तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया। ये तो निश्चय है कि हम आत्मा, परम आत्मा, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पहले से ही अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुमको ये 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए, आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं, तुम सभी जन्मों को जान गए हो, तुम सब क्या कर गए हो, सभी जन्मों को जान गए हो, ये है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है, शांति धाम सुख धाम, शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए तो खुशी से जाना चाहिए। परंतु अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं, माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है, वहां से नीचे तो आ गए, वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आपे ही वापस जा नहीं सकते। सबको पार्ट बजाना ही है, सबको पार्ट बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है, हम बहुत ऊंच कुल के, हम बहुत ऊंच कुल के हैं, अभी हमको फिर से ऊंच डिनेस्टी का राज्य भाग्य मिलता है, राज्य भाग्य मिलता है, फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे, फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे, हमको नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो तो इस शरीर से ममत्व खत्म हो जाएगा। बाप ने अपना भी परिचय दिया है, रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो तमो में आती है। अब फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े, आत्मा को ही पवित्र, आत्मा पवित्र बनना है, आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा है बस मुझ एक को ही याद करो और कोई को भी याद ना करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते। फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी। अभी हम आत्मा लौटने वाली है, पावन बन लौटना है, क्योंकि बिना पवित्र बने हम परम धाम वापस नहीं जा सकते। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। जब बाप हमें पावन बनाने के लिए आए हैं तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। जो हमारे विकर्म विनाश हो जाए, खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है, इसको विचार सागर मंथन
कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, सवेरे सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करो तो अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं, भक्ति भी उस समय होती है सवेरे सवेरे अमृत वेले। गीत है राम सुमर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे और अब बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद कर। अब उस टाइम तो हम गा लेते थे, करते थोड़ा थे, क्या जरूरत है सवेरे उठने की। वो तो हम तो मंदिर में भगत थे, हम तो बचपन से ही भगत थे। हाँ, सवेरे सवेरे उठ के कितनी मालाएं जपनी है, सारे उठते गीत शुरू, काम देव क्या वो सारा गीत गाते थे। अब तो मेरे को याद नहीं आ रहा क्या कहते, धैन जमुना में ना ऐसा गीत गाते थे, सवेरे उठ के हाथ देखना, कराग्रे ब्रह्मा विष्णु सरस्वती सारे वो ये सारे मतलब जमीन को नमस्कार करके फिर बिस्तरे से उतरना, मतलब भक्ति वाले बचपन से ही संस्कार थे। मतलब मंदिर था अपना अलग, सवेरे उठना, पून को नहलाना धुलाना, फिर लंबी लंबी चोटी और लंबे लंबे टिक्के, फिर सकू जाना। हाँ बिल्कुल, पंडित है भी पता लगे कहीं, फिर एक बार जाने लग जाते हैं तो फिर उसको कुछ नहीं महसूस था। हाँ फिर कुछ महसूस नहीं, तो वो ऐसा ही है। आप दिल से करते थे या पापा के डर से? नहीं कोई कोई नहीं करता था। वो तो कोई परिवार में और तो कोई करता ही नहीं था, बस दादी ने बचपन से रामायण महाभारत पढ़ना, उनको सुनाना मैंने, उससे मेरी भावना बन गई कि भी मुझे मंदिर बनाना चाहिए और ये करना चाहिए बस। बाकी वो कोई नहीं, मतलब मेरी अब्सेंस में कभी आरती कारती कर दी, वो कोई नहीं उठते थे सवेरे, उठने का काम मेरा था। हाँ नहीं, ना पीछे बहनें उठती थी पीछे, क्योंकि सबसे बड़ा भाई मैं था, ना कोई बहनें उठती थी, ना माँ बाप ही उठते थे। हाँ मतलब पूरे पूरे उनको उनको लेके गया, उनको समझ में नहीं आया, उनको माउंट आबू लेके गया, मम्मी पापा सबको लेके गया, भाई बहनों को सबको लेके गया। हाँ जी, हाँ मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि हम चलो ठीक है सवेरे भक्ति करते थे, परंतु वैसे आजकल भक्ति करने वाले गाते हैं परंतु सवेरे उठते नहीं। मतलब मेरे को तो बहुत नशा रहता था, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा सीधा, भक्ति इतनी करते थे नरक। हाँ भक्ति का नशा था भगवान के था। नहीं नहीं मेरे को, मैं वही तो बता रहा हूँ, परिवार में तो कोई करता ही नहीं था ना। नहीं आपके पापा तो पंडित थे ना, जैसे पंडित थे, पंडिताई मम्मी भी करती थी, पैसे लूटने का काम तो वो अच्छी तरह कर लेते थे, परंतु मंदिर सुबह नहीं उठते थे वो, ना क्या जरूरत है, क्यों दिमाग खराब करो अपना। हाँ जी आपकी मिलाई नहीं, मेरी कैसे आपकी मिलाई जन्मपत्री, वो जब कहानी अलग है। किसी की जन्मपत्री नहीं मिलती, मम्मी पापा की जन्मपत्री नहीं मिलती थी तो किसी की क्या मिलेगी, उनकी जन्मपत्री नहीं मिली हमारी कहाँ से मिलती। मतलब मेरा वैसे बता रहा हूँ, भक्ति के लिए अलग बात है, मतलब गाते हैं तो भक्ति में गाते हैं परंतु करते नहीं है। और जैसे अभी भाई बहनों के फैन, कुछ कुछ भाई बहन कुछ बहनें भी ऐसी हैं, वो इतने झमेले उन्होंने सिर पर पाल रही हैं, सवेरे नहीं उठ पाती, उन झमेलों में सेंटर्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वहाँ की सेवा वहाँ की सेवा, परंतु वो सवेरे खुद नहीं उठ पाती। इतना विस्तार कर लिया ना उन्होंने, तो उसका भी जो है ना मैसेज आते रहते हैं। तो ये तो सबके भाग्य में नहीं है कि सवेरे उठें और करें। और हमारी आदत बचपन से ही, मेरी आदत थी, चाहे मैं नाना मामा कहीं भी जाता था, बस मैंने शुरू हो जाना, सारे सोना तुम्हारी नींद खराब है, अब वो आ गया बंदा। पानी पीने के लिए भी मुझे याद है कि मैं घर का पानी नहीं पीता था, पता नहीं ये कैसे ग्लास डाल देते होंगे, कैसे करते होंगे, तो उठ करके बाहर हैंडपंप था, मैं बाहर हैंडपंप से पानी पी के आता था।
मतलब हाँ इसमें शीशे के चाहे कप में इनमें इनमें नहीं पीना है। हाँ नहीं पीना, मतलब पहले बड़े अच्छे मतलब जो है ना बहुत स्ट्रांग मतलब वो था, भक्ति का था, जो सुना भक्ति में अच्छा है बचपन में, क्योंकि सुनाना है और करना है बस। आठों भाई बहनों में से कोई भी नहीं उठता था, कोई नहीं करना कुछ नहीं। बाकी हाँ खाने पीने के लिए भजन कीर्तन होता था, उसमें मम्मी वगैरह सारे बैठ जाते थे, तो वो क्योंकि पैसे तो उन्होंने लूटने, मंदिर के पैसे तो उन्होंने खाने, मेरे को थोड़ा मिलने। खाने पीने का परहेज तो नहीं करते प्याज लहसुन तो हम खाते नहीं थे, पंडित थे थे, नहीं खाते थे। नहीं, और भी नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं और कुछ क्या, हम तो पंडित हैं, हम तो मतलब मंदिर में पंडित है तो पंडित है तो पंडित है, फिर तो वो नहीं खाना ना, ये बात ऐसा है कि जब मैं यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद गुप्ता कॉलेज में मैंने अपनी चोटी कटवा दी, वहां से मुझे एक लाइन पता लगी कि भगवान को हमारी सेवा की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं एमए सेवा किए जा रहा हूँ, मुझे वो लाइन इतनी अच्छी लगी थी गुप्ता जी की कि भगवान के पास अपने फरिश्ते हैं, उसको हमारी सेवा की जरूरत नहीं है। पोइम अंग्रेजी की पोइम थी समझाई, मैंने कहा एमए बेकार में मैं किए जा रहा हूँ, मैंने चोटी कटवा दी। मेरा परिवार वाला कोई नहीं मानेगा कि मैंने चोटी कटवा दी, क्योंकि वो तो समझते बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर मतलब इंटर से लेकर नौकरी लगने तक मतलब भक्ति थोड़ी बहुत करते रहे जैसे चलती रही, परंतु वो नहीं रहा अब जो पहले था, डेडिकेशन डेडिकेशन जिसको हम कहते। फिर हम ये कंपनियों के चक्कर में आए, फिर हमारा जीवन में परिवर्तन आया, और उसके बाद ये ब्रह्मा कुमारीज में आकर फिर चेंज आया। ये बात ये जो बीच में टाइम आया था वो थोड़ा था। सत्युग में तो राम को सिमरते नहीं, ये सब ड्रामा बना हुआ है, ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं, पहले तुम नहीं जानते। इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है, सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहां का गायन भक्ति मार्ग में चलता है, गायन यहां का है, इस समय बाबा सिखाते हैं, फिर यही भक्ति मार्ग में आकर के आता है, क्योंकि कोई ना कोई वहां जाकर कहेगा, जिसको याद रहेगा, जो इस धारणा को लेके जाएगा वो इस धारणा को वहां लेकर के आएगा और वो सबको कहेगा। यहां का गायन भक्ति मार्ग में चलता है क्योंकि इस समय की याद आएगी ना, भगवान ने पढ़ाया था, इस समय का संस्कार कि भगवान ने आके पढ़ाया था, तभी तो कहते हैं भगवान को याद करो, भगवान आए, भगवान आकर अक्कल दे, तो उनको याद है कि कभी भगवान ने अक्कल दी थी, परंतु कब दी थी ये उन हाँ कहाँ सोए हुए थे। मतलब भगवान ने जब अक्कल बांटी तो मतलब अक्कल तो बांटी होगी ना कभी, ये तो उनके दिमाग में संस्कार के रूप में आता है, और उसी बात को आकर वो भक्ति मार्ग में कहते। सत्युग त्रेता में कहने की जरूरत नहीं थी, जो कहते भक्ति मार्ग में चलता है। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो, तुमको आधा कल्प के लिए मैंने बेहद का वर्षा दिया था, तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था, मैंने ही कहा था कि ये सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। अब कब्र दाखिल वाली बात भी यहीं से जाएगी ना, कि सब आत्माएं कब्र, वो इसको समझेंगे कब्र दाखिल हुई, हाँ वो तो ये सपने बनना है कब्र में, कब्र वो कब्र वाली बात कब्र वाले उठाएंगे ना अपने, सनातन धर्म वाले नहीं उठाएंगे। तो जब पाकिस्तान वाले हमारे जो पेरेंट्स भी यही कहते हैं कब्र वाला, तो पाकिस्तान की भाषा में मतलब पाकिस्तान को मतलब मेन बात के मुस्लिम धर्म का प्रभाव पड़ गया था ना, तो जो मुस्लिम धर्म वाले होंगे वो इस बात को समझेंगे कि हाँ भगवान ने गौर ने कहा है कि आत्माएं कब्र दाखिल होती होनी है, तो कब्र को तो कब्र समझेंगे ना। जो खत्म होने वाली है तुम उनको याद क्यों करते,
मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में थोड़े होते हैं। तो कालों का काल महाकाल को बुलाते हैं ना, भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है, हमने बहुत धक्का खाया है, आधा कल्प को की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले माफिक, फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की ही जगह नहीं है, अनाज नहीं खाएं कहां से, अनाज नहीं खाएं कहां से। अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे, मरेंगे करोड़ों मनुष्य। वो कहते हैं प्रैक्टिकल है, वहां बहुत गरीब ही है, वहां भी ये नहीं कि वहां बहुत सारे अमीर है। हाँ, मतलब अमेरिका में भी खाने के लाले हैं, क्योंकि वो काम ही नहीं करते। काम ही नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, गरीबी में जाएंगे जाएंगे ना। जैसे यहाँ आपने देखा कि G20 में जो कौन सा एरिया है, स्लम एरिया है, उसको चारों तरफ बकायदा टीन के बोर्ड लगाकर ढक दिया था, तो कोई भी गुजरे वहां से तो उनको पता ना ले। ऐसे वहां भी है, पर तो वहां कोई जाता है तो उस एरिया में कहाँ जाएगा, सलाम एरिया में क्यों जाएगा। जो जाएगा एयर से जाएगा, एयर जाएगा तो अच्छी कंपनी वगैरह में हमारे जो जानकार हैं, हाँ हाँ, वो तो हाईफाई एरिया, हाईफाई एरियाज में जाएंगे, हाईफाई एरिया में काम करेंगे। उनका उधर जाने का क्या मतलब, वो जाएगा जो तो वो देखेगा ना, जो वहां रहेंगे, क्योंकि वो तो वहां पर भी वही हालत है। यहाँ जो काम नहीं करेगा वही तो शराब पियेंगे, नशे करेंगे। अब नशे करने वाले कुछ भी हो, कितना भी पैसा हो, उन्होंने तो जाना है। अब यहाँ करोड़पति जिनकी जमीनें थी, सारी जमीनें बिक गई और ऐसे शराब के नशे में गलियों में पड़े थे, अब तो मर गए। ये नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा, सबसे बड़ा तो झटका होगा अनाज का होगा ना। अब जैसे मालदीव के अंदर आलू भेजना बंद कर दिए, आलू यहाँ से जाता था, आलू भेजना बंद कर दिया, आप खरीद ले आलू कहाँ से खरीदेगा, आखिर बाहर से बहुत महंगा मिलेगा। लड़ाई भी बहुत भयानक होती है, लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है, बॉम्ब्स मिसाइल सब निकालेंगे। और नेचुरल कैलिमिटीज ये चुपचाप बैठी रहेंगी, ये भी मदद करेंगी। इन दोनों से पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है, इन दोनों से पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है, यदि अंत में दुखी नहीं होना है। अंत में दुखी नहीं होना है तो इनसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है, नहीं तो अंत का दर्द पद पोजीशन सारी कर जाएगी। सांवरे से गोरा बनना, काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो। अब बाप खूबसूरत बनाते हैं, अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। आत्मा के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना, यहां आकर पाट बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। अब बाप ने बताया है पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूं अंत में। जब बच्चे बुलाते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। कायन भी है मिरुआ मौत मलु का शिकार, मिरुआ किसे कहते हैं, मिरुआ किसे कहते हैं ये तो हमें पता हो ना, शिकार को कहते हैं, और मलुका शिकारी को कहते हैं।
शिकार करने वाले, उसके लिए तो आनंद है शिकार का। लेकिन बाप की श्री मत पर नहीं चलेंगे तो वे खुश हो नहीं सकते, वो खुशी हो नहीं सकते, क्योंकि बाबा की श्री मत पर नहीं चलेंगे तो क्योंकि खुशी तो खुशी हो नहीं सकती। तुम बच्चे जानते हो हमको ये शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है, तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियां, फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हो, शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है, आत्मा के शरीर को मारते हैं, आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। सिखा रहे हैं बाबा ऐसे बोलना है, आप मार रहे हो किसी को तो ऐसे बोलो, पहले कहो कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा उस आत्मा के शरीर को मार रही हूं, फिर पता लग जाएगा क्यों मार रही है। भाई तेरे को पता नहीं है, बाबा मना करता है, ठीक है नहीं। आत्मा याद आ गई, शरीर से अलग याद आ गया तो कार्मिक अकाउंट भी तो याद आएगा। अब तुम मार रहे हो तो कल वो मारेंगे, तो हिसाब तो याद आ गया तो याद बढ़ाएगा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा ये भूल की, मेहनत है ना इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है, पुरुषों के लिए बहुत सहज है। बंबई में सुबह को कितना घूमने फिरने जाते हैं, तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना है, विचार सागर मंथन करना है, करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो, बाबा कमाल है। अब ये कौन कहेगा कमाल है आपकी, जिसने कुछ बाबा की श्रीमत पर चलने से पाया हो, वरना नहीं कह सकता। बाबा की महिमा करते रहो, बाबा कमाल है आपकी। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती, देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती, विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वे कभी अपनी देह नहीं लेते, भगवान कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम भी नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। इसने मेरे द्वारा जाना, इसने भी ब्रह्मा ने भी मेरे द्वारा जाना है, तो तुम भी जान गए हो, तो ये भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी, तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भव, फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते क्यों हैं, फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों हैं, शरीर को देखने से गिर पड़ते, शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को, देखना है आत्मा को, हम आत्मा हैं, हमने ये पाठ
बजाया है, अब बाप ने कहा है अशरीरी मुझे याद करो, मुझे याद करो तो पाप कट जाए, तो पाप कट जाएंगे। और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होती जाए, कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, सवेरे का समय बहुत अच्छा है, सिर्फ बाबा के सिवाय और किसी को देखो भी। बाकी ये लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट मन मना भाव, लक्ष्मी नारायण है और एम ऑब्जेक्ट क्या है, मन मना भाव, मध्याची भाव। इसका अर्थ कोई नहीं जानता, कितनी कमाल की बात है कि इसका अर्थ कोई नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, भक्ति है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भक्ति कौन करेंगे, जो परिवार में रहते हैं मार्ग वालों के, और निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे, फिर वहां क्या करते हैं? सीधा क्वेश्चन उठ गया ना, बाबा ने कहा क्या भक्ति करेंगे, अब तक तो हमारी बुद्धि में यही था कि वहां जाके भक्ति करते हो, बस फिर वो क्या करेंगे, तपस्या करते हैं। अब उनके पंथ मत अलग अलग है, जो शंकराचार्य मत में चले जाते हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं अलग अलग दर्शन शास्त्र पर चले जाते हैं, वो तो उसी प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अपना जो उनके उस शास्त्र के हिसाब से नियम प्रमाण जो करना है वो करते हैं। परंतु जो चले जाते हैं उनके फिर बहुत सारे खंड बन गए, बहुत सारे खंड हैं, एक प्रकार के नहीं है, और उन्होंने फिर अपने नियम भी अपने अलग अलग बना लिए। और उनका पहला जो रूप था कि हम जंगल में जाकर तप करेंगे, भगवान को याद करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, उसके लिए कठिन कठोर तपस्या, कठोर हाँ, और वहां जाकर के हम बस भगवान को पाना है, भगवान को पाने के लिए उसका नाम याद करना है, स्मरण करना है। अब उसके अंदर भी उनकी जो शाखाएं बनी ना, वो टाइम टू टाइम बदलती चली गई। तो बाबा जो यहाँ बता रहे हैं कि शुरू में जो गए थे वो सतो प्रधान थे, सतो प्रधानता इतनी थी उनकी कि उन्हें भोजन वहीं बैठे पहुंचता था, नहीं कोई संकल्प नहीं कर, अपने आप ही दे आते थे कि वहां कोई ईश्वर को प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है, उसे हम भोजन दे के आए ताकि वो अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर सके, ठीक है। तो उनको अपने आप आता था, एक ने कहा दूसरे ने चलो आज आप दे आए हो, कल हम दे आएंगे, परसों वो दे आएगा परसों, मतलब आपस में खुद ही जो जानते थे वही खुद ही अपने पास उनको वहां बैठे बैठे भोजन पहुंचा देते थे। फिर धीरे धीरे हालत ये हो गई कि पहुंचाना बंद, परंतु अब हाँ फिर क्या होता था, बताया था ना आपको कि पहले क्या था कि उनके पास पहुंचता था, अब पहुंचना बंद हो गया तो क्या करें, एक दिन देखा दो दिन देखा, अब भूखे मरने कब तक मरे भूखा। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जीव अपना परिवर्तन करते हैं कि एक घर से जाएंगे, मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं, फिर कल जाएंगे, इसी प्रकार से वो करते थे। और फिर आया कि एक घर से तो मिला नहीं, कई दिन हो गए जाते जाते, तो उन्होंने फिर क्या किया कि संख्या बढ़ाते गए, और आज वो हालत ये हो गई है कि ढेर सारा इकट्ठा कर लो, पता नहीं कोई देवे के ना देवे, आई वेल के लिए अभी से इकट्ठा करके रख दो। तो ये तमो प्रधानता आ गई, जैसे भक्ति हमारी सत्व प्रधान थी, ऐसे इनका जो तपस्या थी, निवृत्ति मार्ग का जो संन्यास था, वो भी पहले सत्व प्रधान था और आज वो भी क्या बन गया है, तमो प्रधान। हर धर्म, हर धर्म, सारे जितने भी धर्म आए वो अपनी लास्ट तमो प्रधान अवस्था में पहुंचने थे। जब सारे धर्म तमो प्रधान हो जाते हैं
तब परमात्मा आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते। उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी, गुफाएं खाली पड़ी, कोई नहीं रहते गुफाओं, क्या करें वहां, क्या करें रहकर, कुछ मिलता हो तो करें। क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता नहीं है, भक्तों की श्रद्धा नहीं रही। भगत तो सारे क्या हो गए, भेड़ चाल भगत क्या हो गए, मतलब यूएई वाले मक्का वाले हैरान हैं, मुस्लिम सारे हैरान हैं कि इतनी संख्या 5 लाख एक दिन में राम मंदिर में भीड़ लगे देखने आवे, कहीं नहीं लगी ऐसी दुनिया से। हम भेड़चाल है, भेड़चाल है, नहीं जो चलता है ना, हाँ जैसे खाटू श्याम का चला, अभी भी चल रहा है खाटू श्याम तो, हाँ खाटू श्याम का भी सीजन आ गया, पहले साल बाबा का था, हाँ अब ये जाप चाहिए राम मंदिर, अब राम मंदिर का चल रहा है। गुरुद्वारे में एक पाठी बोल रहा था, कहते कि हमारे ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है जिसके बुद्ध की पूजा करना ये कोई परमात्मा का काम नहीं है, बुद्ध हाँ बिल्कुल, ये तो अपनी पत्नी के लिए रोता रहा, भाई भी बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, अच्छा कहते ये भगवान नहीं हो सकता। आज मैंने सुना, मैं तो कैसे सरेआम खिलाफत कर रहे हैं। नहीं वो तो देखो सारे समझते हैं सच्चाई को ना, अब ये तो जो बना रहे मंदिर उनको भी पता है, अब वो ना करें हम उसको क्या कहें, उनको भी पता है। मतलब करोड़पति पदम पति है, मतलब आप तो क्या है धंधे में लग गए, इसी कारण सारे जितने जंगल में रहते थे आज सारे के सारे करोड़पति पदम पति बन गए। रामदेव भी जंगल में ना जाके बैठ गया बिजनेसमैन बन के। अब ये तो सब खत्म होने वाला है क्योंकि तमो प्रधानता है ना, सभी धर्मों की अब तमो प्रधानता है, दिखावा ज्यादा है, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने कितना पैसा दिया, बस क्या करना है कहीं भी जाके। ऐसे नहीं इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वे तो सब कुछ नया होगा। कितने हजार किलो सोना है, हाँ अनाज भी नया, नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं, अभी तो जमीन सड़ गई है, सारी जमीन क्या हो गई है, एक्सप्लॉइट कर दिया उसमें, अब इसमें डाल के ज्यादा एक्सप्लॉइट करो, हाँ होता है एक होता है एक्सप्लॉइट शोषण, अभी तो जमीन सड़ गई है, केमिकल डालो जितने ज्यादा शोषण कर रहे हैं, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता, वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सतयुग में जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है, वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं, सतयुग में सबको कितना शुद्ध भोजन खाते हैं, यहाँ तो देखो जानवरों को पका कर खा लेते हैं, वहां तो ऐसी बात ही नहीं। क्यों खाने लगे चीन में जानवर, क्योंकि उनको भोजन ही नहीं मिला, उनको भोजन ही नहीं मिला। मैंने आपको बताया था, एक बार जिक्र किया था कि 1955 में चीन के अंदर भूखमरी पड़ गई थी, क्योंकि उस समय का जो शासक था उसने कहा कि एक भी मक्खी नहीं होनी चाहिए, मच्छर नहीं होना चाहिए, चूहे नहीं होने चाहिए और चिड़िया नहीं होनी चाहिए, ये जहां दिखे इनको मार डालो और मेरे से पैसे लो, अनाज ना खा जाए, हाँ ये हमारे अनाज का नुकसान करेंगे। और उसका उल्टा रिजल्ट हुआ कि इनके मारने से अनाज ही नहीं हुआ, चिड़ियाओं से चूहों से, चूहों को मारा और चिड़ियाओं को मारा और मक्खी मच्छर को मारा, चिड़िया एक चिड़ी नहीं दिखाई देती थी कहीं, यह हालत कर दी थी चाइना की, और अनाज नहीं हुआ तो अब क्या खाएं, फिर उन्होंने जो मिला सब खाना शुरू कर दिया, पेट तो जिंदा रहने के लिए करना था, तो कॉकरोच भी खा जाते हैं, वो सब कुछ खा जाते हैं, केकड़े फेकड़े सांप भी जो भी मिल जाता है सब कुछ खा सकते हैं। तुम बाप को जानते हो फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है, मैं साधारण बूढ़े तन में
इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था, इस ब्रह्मा बाबा की भी, दादा लेखराज की भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, ये भी कायदा है, ये भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। यह सब है धारणा करने की बातें। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनाने से बहुत मजा आता है, क्यों? क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रिकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, परमात्मा चमकता है हमारी भ्रिकुटी के बीच में, ऐसे तो नहीं कहा जाता ना। ये कहा जाता है ना भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु आत्मा चमकती है। वहां कौन है? आत्मा है, परमात्मा नहीं। आत्मा भाई भाई है। तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बोधी सब भाई भाई, परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं, भाई का अर्थ समझते नहीं। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का भी आपस में लव है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए तुम्हारा। तुम हिंदू मुस्लिम बोधी सारे भाई भाई हो, फिर आपस में तुम्हारा लव क्यों नहीं? परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, क्योंकि सारे दुख का कारण क्या है? देह अभिमान। बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की ग्लानी करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत खीर खंड होकर चलना है। इस समय जो तुम ये पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म खीर खंड होकर चलते हैं, अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई। क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है, बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का ना फरमान बरदार, ईश्वर का ना फरमान बरदार। कभी भी किसको दुख देना नहीं, दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच्ची करने कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है, वरना तो मानेगा नहीं। जब उसका रिमांड लेंगे, अच्छी तरह दंड पिटाई करेंगे, तब तो मानेगा हाँ हाँ मैंने किया है, प्यार से तो मानेगा नहीं। पुलिस में ड्यूटी करता है, मान लो कोई सिपाही हो गया ना, तो उसको मारना भी तो पड़ेगा किसी से, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया। अब उसकी पिटाई तो करनी पड़ेगी, जब उसके दो डंडे लगेंगे तो फिर वो मानेगा हाँ जी मैंने किया। किसको मारना भी पड़ता है, मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है, अब उसमें भी मारना पड़ता है। बिल्कुल, अब वो फौज है, फौजी है, अब उसे बॉर्डर पर तो कोई भी आएगा तो उसको मारना पड़ेगा क्योंकि वो ड्यूटी पर है। परंतु बाबा कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मां मेकम मेरी श्रीमत जरूर ले लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दुनिया को देखना। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात
नहीं, टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते, टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते, टीचर तो पढ़ते हैं, पर टीचर तो पढ़ाते हैं। अब जितना जो पढ़ते हैं, जितना जो पढ़ते हैं, मैनर्स धारण करते हैं, ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है, अपना रजिस्टर आप पे ही देखना, अपना रजिस्टर आप पे ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा है। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, इसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी दुख नहीं देते, बाप तो सुख दाम का मालिक बनाते हैं, मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख देना है, सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना, कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना, कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना, कानून अपने हाथ में नहीं लेना। तुम्हारा काम है, क्या करना है तुम्हारा काम, बाबा को रिपोर्ट करो बस, बहुत मीठा बनना है, रिपोर्ट करो छुट्टी, भूल जाओ, अभी तुम्हारा काम नहीं, बाकी काम अब बाबा का। मीठा बनना है, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे, उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी, तुम्हारी विजय होगी। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना, कभी किसी को दुख नहीं देना। ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी भूले करते हैं, चुगली करना, रीस करना, हसद करना, हसद कहते हैं ईर्ष्या करना, ईर्ष्या हम लोग उसको उसको दुखी करना है, हर्ट करना है, ये भी विकार है ना। बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सर्विस एबल बच्चा होगा वो हमको जरूर मीठा लगेगा, वो हमको जरूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे, बाबा पुचकार भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, सीधा मना कर रहे हैं, दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनकी पास खातरी होती है, ब्रह्मा कुमारियों क्या होती है, पास खातरी होती है, ये बड़ा आदमी है, ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता, बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो तो क्या ये नहीं छोड़ सकते। बाप को याद करो, बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे, सारे दुख क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना, एक दो को तंग नहीं करना है। हर बात में राजी रहना है, कभी भी चुगली नहीं लगानी, हसद रीस नहीं करनी, किसको दुख नहीं देना है, आपस में बहुत मीठा खीर खंड होकर रहना है। सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है, बाबा का शुक्रिया मानना है। वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर वन सेवाधारी भाव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही, मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है, वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए, मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है, अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर हो रही हो तो भी कर सकते हो, आपकी हालत अंदर से खराब है, कैसे भी है, आप ज्ञान मुंह से तो उसको सुना सकते हो, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर वन सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते। स्लोगन, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। कार्य लौकिक हो परंतु आप उसे करवाएंगे अलौकिक रीति से, उसको समझेंगे कि ये अलौकिक है, मतलब हर काम को बाबा की श्रीमत के अनुसार करना, जिसमें बाबा का संदेश अन्य आत्माओं को मिल जाए, ऐसे करना तो आप सरेंडर हो, समर्पित हो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आप डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान, जो बाबा ने दिव्य ज्ञान दिया है उस बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। आप कोई रे चले जी मैं उड़ गया, अब ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गया हूं, कमेंट्री कर दो। अब बाबा ने क्या कहा है उसको ध्यान नहीं देंगे। आप डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित होना, सारी बात तो स्थिति की है, वो स्थिति को हटा देते, वो कमेंट्री करके ऊपर चोटी पर जाके कुछ भी कमेंट्री कर दो। और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ मत का साधन पेट्रोल, श्रेष्ठ मत का साधन क्या है, पेट्रोल, श्रेष्ठ मत है पेट्रोल, हाँ साधन का साधन, उस विमान का
चलाने के लिए, क्योंकि वो चलेगा बाबा की श्रीमत के अनुसार ना, उसमें जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना हो, ना मन मत वाला किचड़ा हो ना पर मत वाला किचड़ा हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।